हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आज है सैटरडे। बेटा वो फैल जाएगा, माने उसमें जो रस है ना वो फैल जाएगा। सो आज सैटरडे है, सुबह के बज रहे हैं 9:30। नहा तो लिया है मैंने, बट रेडी नहीं हुई हूँ। बस बाल वाल ही बना रही थी, सोचा व्लॉग स्टार्ट करूँ। और मेरे जो पतिदेव है ना वान्या, वो फैल जाएगा नीचे, साफ करना पड़ेगा बेटा उसको, फैल जाएगा। उसको रख दो, टोस्ट है वो, टूट जाएंगे। और आज सुबह 4 बजे वाली ट्रेन से मेरे पतिदेव जा चुके हैं अपनी ड्यूटी पर। आज सैटरडे है तो उनका फर्स्ट डे है, मतलब आफ्टर वैकेशन, वैकेशन के बाद में। फिर उसके बाद में संडे मिलेगा तो वो आएंगे नहीं एक दिन के लिए, क्या करेंगे। फिर नेक्स्ट पूरा वीक उनका ड्यूटी है, फिर उसके बाद ही आएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे। क्योंकि अभी मैं इसीलिए नहीं गई हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको कुछ एक चीज़ें हैं जो अभी होना है, इसलिए हम लोग नहीं गए, सिर्फ वही गए हैं। और ये ना मैंने छोटी बिंदी लगाई, एक्चुअली मैंने 2 बिंदियाँ लगाई थी। 2 बिंदी का शौक आ रहा था मुझे, ऊपर बड़ी वाली फिर नीचे छोटी, तो वान्या ने ना बड़ी निकाल दी, छोटी रह गई है। बट अच्छी लग रही है मेरे फेस पर, आप बताना छोटी बिंदी अच्छी लगती है या बड़ी वाली। मुझे ये छोटी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं आगे से इसी को लगाऊंगी अगर ये अच्छी लग रही होगी तो। सो बस छोटी वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं भगवान की, खाना पीना नाश्ता जो भी चीज़ें हैं वो देखते हैं। मम्मी जी और मैं हैं घर पर, और वान्या के साथ मस्ती करते हैं। और वान्या हमारी सोकर जब जागी तो बोल रही थी कहाँ है पापा, कहाँ है बाबा, क्योंकि वो तो 4 बजे सो रही थी जब वो लोग गए थे। पापा और बाबा कहाँ गए? पापा और बाबा कहीं गए हैं, कहाँ गए हैं बताओ। बोलो तो। ड्यूटी गए हैं, आपको नहीं ले गए? अच्छा, मुझे इनकी याद आ रही है। याद आ रही है? अच्छा, बात कर लेना, करवा देंगे बात। कहाँ जा रही हो? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर जा रही हो? अभी तुम्हारे बेटा बहुत मजे चल रहे हैं, 10-15 दिन के, 20 दिन के मजे और हैं बस, केवल उसके बाद कहाँ जाओगी? स्कूल। कहाँ जाओगी? हाँ, मैडम लगाएगी पिताई, प्यारी करेंगी। अच्छा, आपको पता है प्यारी करेंगी? सर? सर नहीं, मैडम पढ़ाएंगी आपको। हाँ, मैं जब भी सिंदूर लगाती ना मेरी नाक पर जरूर गिरता है, गिरता ही गिरता है। सो बस मैं हो गई हूँ देखिए रेडी। एक तो वान्या की वजह से सब चीज़ें ना पैक करके जो भी उठाओ वो ऊपर पाउच रखा हुआ है ना, कुछ भी उठाओ तो उसी में वापस डालो, ऐसा करना पड़ता है। वरना अगर एक दिन भी नहीं डालो तो पूरा दिन उसका वही लगाती 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 रहती है। तो बस नहा धोकर रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं पूजा वगैरह करने के लिए। सो अभी हम करेंगे सबसे पहले पूजा, सुबह की दिनचर्या का सबसे ज़रूरी काम, तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा तो मैंने कर दी है, बाहर बहुत तेज़ गर्मी और धूप हो रही है, देखिए मेरा फेस तो पसीना पसीना हो गया बहुत ज़्यादा। वो करें, वानू ने फालतू में टीका लगवा लिया, नहाया नहीं अभी, फिर भी मम्मा मुझे टीका लगा दो, मैं भी जल चढ़ाऊंगी। इसीलिए ना मैं उसको अब अक्सर हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरे साथ ही नहा ले, क्योंकि ना उसकी आदत है, वो बिल्कुल चाहे कुछ भी धूप हो कुछ भी हो मैं साथ में जाऊँगी, मैं साथ में करवाऊँगी सब चीज़ें, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ नहा ले। बट आज वो सो रही थी तो मैंने जल्दी नहा लिया। सो बस बाहर ना इतना तेज़ धूप और उमस हो रही है ना बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, बट गरम गरम चल रही हैं बहुत ज़्यादा। अभी चलते हैं नीचे, नाश्ते की तैयारी करते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। वान्या के पापा का फ़ोन आ चुका है कि हम पहुंच गए हैं, और 10 बजे पहुँच गए हैं वो, 12 बजे से ड्यूटी है तो करें जाएंगे बस। सो यहाँ नाश्ते में पालक की पूड़ी बना रही है, बिल्कुल ज़रा सी पालक रखी हुई थी हमारे यहाँ पर, पहले सोचा पकौड़े बना दी, बट पकौड़े के लिए आज क्या सैटरडे है तो प्याज नहीं होगा, तो यहाँ पर ना बानू गरम है, वो बहुत गरम है,
नाश्ता। माँ थोड़ा सा कर ले दो। पहले कर लूंगी, जब मार लूंगी आटे को अच्छे से उसके बाद हाथ डालना उसमें। अभी सूखा सूखा है, सब जगह फैलाओगी। सो बस नाश्ता सबसे पहले जरूरी है, बहुत भूख लगने लग जाती है ना मेरे को तो सुबह से उठते से ही। और अभी पालक गरम है। मेरे साथ। क्यों हंसे? चुका है, थोड़ा सा दही लिया है यहाँ पर मैंने और पालक की पूरियाँ वांद्या ने ऑलरेडी खा ली हैं, सबसे पहले उसके लिए बना दी थी तो उसने खा ली, फिर मैंने पूजा वगैरह कंप्लीट किया और अब मैं खाती हूँ, फिर खाना देखेंगे। पीछे हो जाता है इसका डिज़ाइन। अभी बहुत 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 भूख लग रही है। क्या कहा था वांदू मैंने कि एक दो डिब्बे डाल के और बाहर निकल आना, ऐसे बोला था ना, तो बाल्टी में बैठ गई है। सो आपने देखा ही होगा वान्या के साथ में ना कभी कभी डांस भी करना पड़ता है, उसको गोद में लेके घुमाना भी पड़ता है, खिलाना भी पड़ता है, जो भी वो बोले वो सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती हैं उसकी, स्पेशली जब उसके पापा नहीं होते, अदरवाइज़ वो इरिटेट होती है। थोड़ा सा बच्चों को भी महसूस होता है कि घर में कौन है कौन नहीं है, सो इसीलिए वही सब चीज़ें की हैं मैंने। और बस यही छोटा सा व्लॉग आज शूट कर लिया था ऐसे ही छोटी मोटी एक्टिविटीज़ का, यहाँ वो अपनी फ्रेंड के साथ मस्ती कर रही है। और बस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर दे रही हूँ। दोस्तों मिलती हूँ बहुत जल्द किसी अच्छी सी न्यूज़ के साथ आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।